सब्सक्राइब कीजिए गेट पे अप टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। आप सभी न्यूज में तो सुन रहे होंगे कि बिटकॉइन कितना महंगा हो गया है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, और या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में कैसे बिटकॉइन कमा सके और पैसे कमा सके, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दिस इज शिवू एंड यू आर वाचिंग गेट पे अप टेक। दोस्तों बिटकॉइन का शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों बिटकॉइन का शुरुआत हुआ था 2008 में, अगस्त 2008 में सातोशी नाकामोटो ने एक वेबसाइट बनाया bitcoin.org के नाम से, ठीक है। वहाँ पे ये बोला गया कि एक न्यू डिजिटल करेंसी है। फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर काम करता है, और इसको 2009 में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, और तभी से बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है। जब इसका लॉन्च किया गया था तो एक बिटकॉइन का कीमत था सिर्फ $1, जी हाँ $1, और तब एक यूएस डॉलर का इंडियन प्राइस था 45 to 46 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। लेकिन आजकल एक बिटकॉइन का कीमत, आज टिल डे बिटकॉइन का कीमत है 11,14,300 रुपये से भी ज़्यादा, ठीक है, और रोज़ ये बढ़ रहा है। तो आखिर ये बढ़ क्यों रहा है? दोस्तों जब पहले पहले बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था कोई भी कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पेमेंट के लिए, लेकिन आजकल डेल माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, बड़े बड़े कंपनी पेपैल इसको एक्सेप्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन के तौर पे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर उससे खरीद कर सकते हैं, ठीक है, बिटकॉइन के जरिए। तो आजकल बिटकॉइन बहुत ही चलन में आ रहा है, और इसमें दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बड़े बड़े जो टेक्निकल चैनल या फिर नॉन टेक्निकल चैनल जो भी है, जहाँ पे ऐड होता है कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय या फिर दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय दिस, जो बोला जाता है ना चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो ऐड आता है वीडियो में, तो उसका जो मतलब जो स्पॉन्सरशिप होता है उसका जो पैसा होता है वो भी बिटकॉइन के जरिए चुकाया जाता है। लोग बिटकॉइन के जरिए ही वो पैसा लेते हैं। तो बिटकॉइन को क्यों लोग पसंद करते हैं इतना ट्रांजेक्शन के तौर पर? आजकल जब पहले पहले लॉन्च हुआ था तब ज़्यादा चलन में नहीं था, लेकिन आजकल लोग इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू होता है, मतलब अगर मैं आपको पैसे देता हूँ बिटकॉइन के रूप में तो मुझे चाहिए की सेंडिंग की, और आपके पास होता है एक रिक्वेस्ट की जिसके बाद जाएगा, तो दो की देना पड़ता है फिर ये ट्रांजेक्शन होता है। कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर का एक जाल होता है, ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटर। एक हैकर कितना कंप्यूटर हैक करेगा? एक कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, यहाँ पे हजारों हजारों लाखों लाखों कंप्यूटर होते हैं जो जो ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर को हैक करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही हाई है। अगर पॉसिबल भी है तो एक करने से कुछ नहीं होगा, बाकी कंप्यूटर उसको सुधार देगा। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है बहुत ही सिक्योर होता है, कोई भी इसके हैक नहीं कर सकता, इसलिए बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम सिक्योर होता है। किसी भी दूसरे जो ट्रांजेक्शन होता है पेपैल वगैरह पेटीएम पेपैल या फिर नेट बैंकिंग जो भी आप करते हैं उसके मुकाबले बिटकॉइन बहुत ही सेफ होता है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि कौन पैसे दे रहा है कौन पैसे ले रहा है इसका कोई भी डाटा नहीं रहता, ठीक है, ये हाइड होता है। तो यहाँ पे कोई जान नहीं सकता कि आपने किसको पैसा दिया, किसने आपको पैसा दिया, ये कोई नहीं जान सकता, ये एकदम सिक्योर होता है, ठीक है, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। हालांकि इसको इलीगल तरीके से जो माफिया डॉन्स है वो भी यूज़ करते हैं, और जो अच्छे अच्छे काम करते हैं वो भी यूज़ करते हैं, सभी तरह के लोग इसको यूज़ करते हैं, और इसीलिए बिटकॉइन जो है वो इतना पॉपुलर हो रहा है। और बिटकॉइन का जो जितना बिटकॉइन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि बिटकॉइन एक निर्दिष्ट क्वांटिटी में ही है, वो ज़्यादा नहीं बनेगा। आप जितना ही खरीदो वो ज़्यादा नहीं बनेगा, जैसे कि हम पैसे जो लेते हैं वो बनता जाता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, जितना पहले से था उतना ही रहेगा और धीरे धीरे और एक कम होगा, ठीक है। जितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है लोग खरीदते हैं तो वो कम होता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी बिटकॉइन बिक चुके होंगे, कोई इसको खरीद नहीं पाएगा फिर, ठीक है, सभी बिक चुके होंगे, इसीलिए इसका जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप बिटकॉइन को ले सकते हैं। हालांकि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे 500 रुपीज़ तक का, जी 500 रुपीज़ तक का कैशबैक आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप 500 रुपये का बिटकॉइन लेते हैं तो आपको और 500 रुपये कैशबैक के तौर पर और 500 रुपये का बिटकॉइन आपको मिलेगा, यानी आपको डबल बिटकॉइन मिलेगा। अगर आप 1,000 रुपये का भी लेते हैं तो आपको हाईएस्ट 500 रुपये ही मिलेगा, मतलब 1,000 रुपये और 500 रुपये 1,500 रुपये का बिटकॉइन मिलेगा। ये ऑफर अभी ये चल रहा है, आप
चाहे तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिटकॉइन खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन खरीदने के बाद आपको वो सेट करना है अपने जो अकाउंट है, वॉलेट है वहाँ पे, या फिर आप कोई स्टोरेज मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोरेज मीडिया मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आप बिटकॉइन को ऑनलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं, बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपका बिटकॉइन चुरा लेगा, हैक कर लेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके जो स्टोरेज ड्राइव है बिटकॉइन के लिए अलग स्टोरेज ड्राइव होता है, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, बिल्कुल वैसा ही बिटकॉइन के लिए भी एक ड्राइव होता है बिटकॉइन ड्राइव, उसमें आप सेव कर सकते हैं बिटकॉइन अपने अकाउंट से डाउनलोड करके, जो कि एक डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड होकर रहेगा, बाद में आप उसको फिर वेबसाइट में अपलोड करके आप उसको बेच के पैसे ले सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिक्योरिटी बहुत हाई है बिटकॉइन का। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन में हम कितना इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करना क्या सही होगा और गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या कहना है, तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिस्क लेके, ठीक है, रिस्क लेके, क्योंकि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ये ऊपर होगा नीचे होगा प्राइस कितना क्या होगा, गवर्नमेंट कोई भी जिम्मेदारी नहीं लगा इसके ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बिटकॉइन में हम कितने इन्वेस्ट करें दोस्तों, बिटकॉइन में हम जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास सेविंग्स के लिए पैसा है वो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 10,000 हो, 1,00,000 हो, 10,00,000 हो, 10 करोड़ हो, जितना भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैसे कमाना है बिटकॉइन में, तो आप लोन लेके बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत कीजिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लोन ले लेते हैं, 10,00,000 का लोन ले लिया और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, वैसा नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपका जो सेविंग्स के लिए जो पैसा है 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी पैसा सेविंग करते हैं, वो आप बिटकॉइन में सेव कर सकते हैं। लेकिन आप लोन लेके बिटकॉइन में पैसा मत लगाइए कि ये बाद में बढ़ेगा और हम इसको सेल कर देंगे, क्या पता वो डाउन हो जाए प्राइस डाउन हो जाए, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो हो सकता है डाउन हो जाए और जो आपका पैसा है लोन लेके जो खरीदा है वो डूब जाए। लेकिन अगर आपने सेविंग के तौर पे इसको लेते हैं, सेविंग जो मनी है उसके देके पैसा देके लेते हैं बिटकॉइन, अगर वो कम भी हो जाता है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। और जितना भी आप कमाएंगे, गवर्नमेंट का कहना है कि आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ऑब्वियसली अगर आप कमाते हैं, इनकम करते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जो इनकम टैक्स लगता है, जो उसका जो स्टेप है, जो 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000 जितना का भी है, वैसा आपको देना है, जैसे कि नॉर्मल इनकम टैक्स देता है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो ये तो हो गया कितना खरीद सकते हैं और ये सेव हुआ है कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप फिर भी बिटकॉइन लेना चाहते हैं, तो आप फ्री में कैसे बिटकॉइन लें दोस्तों? बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पर बहुत सारा काउंटर होता है, मैंने बताया था, जो काउंटर होता है वो हम जैसे आम लोगों का ही काउंटर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर बिटकॉइन के नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए देते हैं, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके अपना सर्विस देते हैं, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर उसको मॉनिटर करता रहता है ताकि ये सिक्योर हो, कोई भी हैकर हैक ना कर सके और जो ट्रांजेक्शन होता है उसका कैलकुलेट कर पाए। और जब ये होता है किसी कंप्यूटर के थ्रू, जो कंप्यूटर आप लगाते हैं बिटकॉइन को सिक्योर करने के लिए नेटवर्क ट्रांजेक्शन में, तो जब ये ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको उसका कोई डिस्काउंट दिया जाता है, आपने जो अपना कंप्यूटर दिया है उसके ऊपर आपको एक गिफ्ट के तौर पे आपको थोड़ा कमीशन दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, थोड़ा सा ये ले लो, ठीक है। उसको बोला जाता है माइनिंग, ये होता है बिटकॉइन माइनिंग। तो आप जो है अपना जो कंप्यूटर है वो आप बिटकॉइन माइनिंग के लिए दे सकते हैं, आपको जो कंप्यूटर का जो पावर है, कैलकुलेशन पावर, प्रोसेसर का जो कैलकुलेशन पावर है बिटकॉइन जो ट्रांजेक्शन में वो यूज होगा और आपको जो है थोड़ा सा बिटकॉइन मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा लेकिन थोड़ा सा मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं है, आप चाहे तो रात को बिटकॉइन माइनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, रात में छोड़ रहे हैं और जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है वो बिटकॉइन माइन करता रहेगा। दिन में आप अपना काम कीजिए, रात में आप माइन कीजिए, तो आपको पैसे जो है हर रात आप छोटे छोटे रहेंगे और आपको जो है पैसा मिल जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। आप बिटकॉइन माइनिंग के बाद जो बिटकॉइन आपको मिलेगा वो आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप उसको सेव कर सकते हैं अपने अकाउंट पर रखिए, और जब प्राइस और बढ़ेगा तो आप उसको सेल करके और भी पैसा कमा सकते हैं। बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है, देख सकते हैं कि पहले $1 था लगभग 40-45 रुपए के आसपास, और अभी देखिए 11,00,000, क्या बोलूँ, 11,00,000 रुपए। और ये जो है आगे चल के और भी ज़्यादा महंगा होगा, हालांकि बीच बीच में ड्रॉप भी होगा, ठीक है ना, प्राइस अप डाउन दोनों ही होते हैं, तो ये भी होगा, अप डाउन होगा।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग करना सीखना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है कि बिटकॉइन माइनिंग का वीडियो दिखाओ तो मैं एक बिटकॉइन माइन का वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ, आप भी उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लाल बटन है उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आगे आने वाली वीडियो पे। मैं आगे ऐसे और भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद।